राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के साथ ही सत्ता और संगठन दोनों ही एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा सरकार की ओर से अब 2 साल के कार्यों को जनता के बीच रखने की कवायद चल रही है, लिहाजा प्रदेश की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। इसी बीच अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सीधे राजस्थान से आने वाले मोदी कैबिनेट के मंत्रियों पर सीधा निशाना साधा है। डोटासरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि केंद्र में राजस्थान के सिंचाई, वित्त, भारी उद्योग और कृषि राज्य मंत्री हैं, लेकिन उसका प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे कहा कि ये मंत्री GST का पैसा भी नहीं दिला पाए, सब खुद को मुख्यमंत्री बनाने की बिसात बिछाने में व्यस्त हैं। डोटासरा ने बीकानेर में BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP के कुत्सित प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि BJP के 8 नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते हैं, या अपनी ही पार्टी के बड़े नेता को कमजोर करने में लगे हैं। डोटासरा ने कहा कि 2 साल में सरकार और जनता के लिए संकट का समय गुजरा, लेकिन फिर भी घोषणा पत्र का 50% पूरा किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार की एक एक उपलब्धि गिनाई। आपको बता दें कि बीकानेर दौरा पूरा करने के बाद अब डोटासरा दिल्ली पहुंचे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डोटासरा पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को प्रभारी अजय माकन और महासचिव रणदीप सुरजेवाला से डोटासरा मिल सकते हैं। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा की जाने की संभावना है। हालांकि डोटासरा ने इसे निजी कार्यक्रम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।